हेलो स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग अबाउट सिविक्स चैप्टर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 8, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड द पर्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमने पर्पसेस पढ़ने शुरू किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पर्पस हैं जो वो सर्व करता है. तो उसमें हमने देखा था कि इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स, इट रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी, एंड इट ऑल्सो सर्व्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू गवर्न द कंट्री. और इसमें गवर्नमेंट की टाइप क्या होगी, वेदर इट विल बी डेमोक्रेटिक और मोनार्किकल और इट विल बी डिक्टेटरशिप. इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था एक नेपाल कंट्री का, कि उसमें जैसे पहले मोनार्की था, राजा का शासन था और लोग नहीं चाहते थे कि वो शासन रहे. तो मोर देन 200 ईयर्स के बाद लोग सफल हुए वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने के लिए. तो फाइनली इन 2008 वहाँ पे जो था एक नया संविधान आ गया था, जिसमें लोकतंत्री प्रणाली को जो शामिल किया गया था. तो आज आगे हम और कुछ पर्पसेस पढ़ेंगे. तो उसमें है कि पॉलिटी एंड रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें क्या होता है कि इट डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का होगा. वो डेमोक्रेटिक होगी सरकार, या फिर डिक्टेटरशिप रहेगा, या फिर टायरनी रहेगी मतलब अत्याचारी शासन होगा, या फिर मोनार्की होगी. तो वो सब डिफाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जिस तरह की लोगों की एस्पिरेशंस होती हैं और वो चाहते हैं कि हमारा संविधान बने, तो उसी तरीके से फिर कॉन्स्टिट्यूशन में सारी स्पेसिफाई कर दिया जाता है सारी चीज़ों को. तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये लोकतंत्रीय प्रणाली में खास करके संविधान का बहुत योगदान रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है. तो पहले भी हमने पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक ही हो. ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है. अगर हमारे लोगों की हमारे कंट्री की सोच है कि हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस लेके आना है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स को ही लेके आएगा उसमें सामने. तो इट लेज आउट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग पॉलिसी ऑफ अ कंट्री. और महत्वपूर्ण गाइडलाइंस भी देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि जो कंट्री का डिसीजन है, कंट्री के लिए जो लेने हैं वो कौन लेगा, किसके द्वारा जो डिसीजंस हैं और पॉलिसीज जो बनाई जाएंगी डिसीजन मेकिंग की, तो उसके लिए हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन और द गवर्नमेंट. लीडर्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री आर इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लोकतंत्री प्रणाली होती है तो उसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारे नुमाइंदे होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. तो दे एक्सरसाइज पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. तो लोगों के बिहाफ पे वो काम करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें चुन के सरकार में भेजा है. तो हु इज़ द पावरफुल ऑर्गन, दैट इज़ द गवर्नमेंट ओनली. एंड गवर्नमेंट लोगों के लिए ही काम करेगी नेचुरली. अगर गवर्नमेंट कोई भी जो है लोगों के लिए काम नहीं करेगी, लोगों की भलाई के लिए नहीं करेगी, हमारे चुने हैं नुमाइंदे हमारे लिए काम नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो सरकार में नहीं आएंगे. क्योंकि वोटिंग राइट है हमारे पास और एवरी 5 ईयर इलेक्शंस होती हैं, तो उसमें हम उनको चेंज कर सकते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है लोगों को मिसयूज ऑफ पावर बाय पॉलिटिकल लीडर्स. कि जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं उनके पास बहुत सारी शक्तियां रहती हैं, तो उनका मिसयूज ना करें, दुरुपयोग ना करें. तो इसके लिए उनके ऊपर संविधान के द्वारा रोक लगाई जाती है. कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर कराता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है तो वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट ना जाए, मिसयूज ना करे अपनी पावर का अगेंस्ट द माइनॉरिटी. अब माइनॉरिटी क्या है कि जो कम गिनती के लोग होते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया इज अ हिंदू मेजोरिटी कंट्री, 80% लोग जो हैं वो हिंदू हैं जहाँ पे, और बाकी 20% जो हैं दे आर द मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सिक्स. तो सिर्फ इस वजह से कि वो आबादी उनकी ज़्यादा है, तो वो कम गिनती वालों को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ऐसा नहीं करने देता.
तो माइनॉरिटीज जो है उनको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, कोई भी जो रूटीन में अवेलेबल रहती है कोई भी चीज़, कोई भी फैसिलिटी जो मेजोरिटी को रहती है तो वो माइनॉरिटी को भी मिलेगी। इसी तरह से जो मेजोरिटी पार्टी है उसे भी ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी ही मर्जी करे, उसके ऊपर भी एक ऑपोजिशन का रोल रहता है कि ऑपोजिशन पार्टी जो होती है तो वो उसके ऊपर कंट्रोल करती है कि कोई ऐसा कानून वगैरह ना उनके द्वारा पास कर दिया जाए जो कि लोगों के अगेंस्ट हो। कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन। अब जो संविधान है वो प्रिवेंट करता है टायरनी से और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेजोरिटी जो है वो प्रभाव अपना ना डाले माइनॉरिटी के ऊपर और जो उनकी टायरनी रहती है, अत्याचार होते हैं, वो ना कर पाए माइनॉरिटी पर। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन। धार्मिक अगर हम धर्म के आधार पर देखें तो दो तरह से दो किस्में इसकी होती हैं। एक इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होता है कि वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, कि एक समुदाय मान लो एक धर्म के लोग जो हैं वो दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहें, उनको दबाना चाहें। और एक इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन होता है कि एक कम्युनिटी के अंदर ही एक समुदाय के लोग ही अपने दूसरे साथियों को वो डोमिनेट करें। जैसे कास्टिज्म है हमारे इंडिया में, तो एक ही जो रिलीजन रहता है उसके अंदर अलग अलग कास्टिज्म जो है इंडियन सोसाइटी में प्रेवलेंट है। तो उसमें जैसे मान लो सिख कम्युनिटी है तो उसमें जनरल सिख आते हैं, रामगढ़ी आते हैं, मजहबी सिख आते हैं। इसी तरह से दूसरे जो धर्म हैं मुस्लिम्स में शियाज हैं, सुन्नीज हैं, अहमदियाज हैं। तो इसी तरह से हिंदू धर्म में भी बहुत सारे कास्टिज्म जो है सोसाइटी में है। तो अलग अलग जनरल कास्ट और जो लोअर कास्ट, इनको शेड्यूल कास्ट भी कह दिया जाता है, तो वो भी होते हैं। तो कई बार अपने ही धर्म के लोगों के साथ जो कास्ट बेस पे या किसी जा अमीर गरीब की अमीरी गरीबी के बेसिस पे डोमिनेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोसाइटी। तो थर्ड जो पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टन डिसीजंस वी टेक विच कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द सोसाइटी बिलीव्स इन। तो संविधान क्या करता है कि हमें प्रोटेक्ट करता है, इस चीज से भी हमें बचाता है कि कोई डिसीजन हमारे द्वारा ऐसा ना लिया जाए सोसाइटी में रहते हुए कि जो जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़े किसी दूसरे के सिद्धांतों के ऊपर, कोई बुरा प्रभाव जो है सोसाइटी पे समाज पे ना पड़े। तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऐसा नहीं करने देता। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कई बार ड्यू टू द बिटर नेचर ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स पीपल में समटाइम्स प्रेफर टू ऑप्ट फॉर अ स्ट्रांग डिक्टेटरशिप, तो विदाउट थिंकिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सच अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो लोग क्या करते हैं कि कई बार किसी पार्टी, कोई ऐसी पार्टी ने कोई शासन में आई है कि उसका काफी कड़वा एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों को लगा कि नहीं उसमें नहीं वो अच्छे से काम कर पाए अपना, जहाँ कोई ऐसी स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है कि जो अच्छा शासन दे सके। तो इसलिए वो कई बार डिक्टेटरशिप जो तानाशाह होते हैं कि एक व्यक्ति विशेष हो जो काफी ताकतवर हो, जैसे हिटलर को डिक्टेटर हम मानते हैं, तो उसके फरमान जो होते थे वो सब लोगों को मानने पड़ते थे। तो अगर इस तरह से हम बिना सोचे समझे भी कोई ऐसे व्यक्ति के हाथों में पावर दे देंगे तो जिसका आगे चल के बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो ये चीज से भी संविधान जो है उसमें रोका गया है।